आपका क्या नाम? क्या ठीक है ठीक है ठीक है। चलो आज का टॉपिक अपना है ब्लड, पहले भी पढ़े हो ब्लड है ना। आज का टॉपिक देखो, हम लोग ने ऑलरेडी हार्ट का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिए, ह्यूमन हार्ट देख लेना। ओके, ह्यूमन का हार्ट के ऊपर हम लोग ऑलरेडी 3 लेक्चर दे चुके हैं, फिर हार्ट से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर था वो भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक अपना रहेगा ब्लड। ब्लड से रिलेटेड बहुत कुछ है, कुछ तो जानते हो ब्लड रिलेटेड? कुछ भी नहीं। क्या होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन? चलो अच्छे अच्छे टर्म जानते हो, और कुछ? अरे बता बता बता। हम लोग आज ब्लड वेसल, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज नहीं डिस्कस कर रहे हैं, आज हमारा टॉपिक है टोटली ब्लड। ठीक है, तो हम लोग ब्लड का जो कॉम्पोजिशन देखेंगे उसमें दो इंपॉर्टेंट पार्ट देखने वाले हैं। एक आपको देखने को मिलेगा प्लाज्मा, एक है फॉर्म्ड एलिमेंट, जो लिक्विड कंटेंट होता है ब्लड का, जो भी लिक्विड कंटेंट है उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा, और जो भी उसमें सेल्स है उसको हम लोग बोलेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो ये 55% जो पोर्शन है ब्लड का जो स्ट्रॉ कलर का है, बोलेंगे हम लोग ये स्ट्रॉ कलर का है, स्लाइटली एल्कलाइन है, एल्कलाइन है, स्लाइटली एल्कलाइन। पीएच है 7.4, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएच है 7.4। 7 होता है न्यूट्रल, 7 के ऊपर जैसे जैसे जा रहे हैं अल्कलिनिटी बढ़ते जा रहा है बेसिक, और ज़्यादा ज़्यादा जैसे हम लोग 7 से नीचे जैसे जाते जाएंगे तो एसिडिटी बढ़ता जाएगा। तो 7.4 स्लाइटली एसिडिक है, स्लाइटली अल्कलाइन है, फ्लूइड मैट्रिक्स हम लोग बोल रहे हैं। और जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स बोलते हैं ये है फॉर्म्ड एलिमेंट, या कर्पसल्स पोर्सन बोल सकते हैं, ये 45% पोर्सन है। तो हमने ब्लड का दो इंपॉर्टेंट पोर्शन पढ़ा, एक है प्लाज्मा जो 55% है, जो स्ट्रॉ कलर्ड है, स्लाइटली अल्कलाइन है, और फॉर्म्ड एलिमेंट 45% जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आते हैं। ओके, ये पहला हमने डिवाइड किया। अब एक एक को हम लोग डिटेल में जाएंगे, ठीक है, हर एक को हम लोग डिटेल में जाएंगे कि आरबीसी, ये प्लाज्मा में क्या क्या है। तो मैं प्लाज्मा पे टॉपिक पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहला अपना टॉपिक है प्लाज्मा। प्लाज्मा ये जो ब्लड का लिक्विड कंटेंट की बात कर रहे हैं, जिसमें 90 से 92% आपको देखने को मिलेगा वो होगा वाटर। प्लाज्मा में 90 से 92% बोलते हैं वाटर, जो एक गुड सॉल्वेंट का काम कर रहा है। सॉल्वेंट समझते हो ना, जो भी सॉल्यूशन में जो लिक्विड कंटेंट होता है उसको सॉल्वेंट, और जो जैसे हम लोग शुगर या सोल्यूट, हम लोग बोलते हैं सोल्यूट है, सॉल्ट है, सोल्यूट है बोलते हैं ना, तो ये सॉल्वेंट हो गया, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो हो गया, गुड सॉल्वेंट, वाटर को गुड सॉल्वेंट माना जाता है। करीबन 90 से 92% आपको वाटर देखने को मिलेगा। प्लाज्मा में 3 इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, एक का नाम है फाइब्रिनोजेन, एक का नाम है ग्लोबुलिन, और तीसरे का नाम है एल्बुमिन। थ्री इंपॉर्टेंट हम बोलेंगे ये प्लाज्मा प्रोटीन है। करीबन 6 to 8% प्लाज्मा में क्या है, प्रोटीन। 90 से 92% आपको वाटर मिलेगा, और 6 से 8% आपको मिलेगा, 6 से 8% आपको मिलेगा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहता है अपने ब्लड में, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहता है। जब कोई इंजरी होता है तो एक केमिकल रिएक्शन चलते रहते हैं, अल्टीमेटली ये ब्लड क्लॉट कर जाता है। तो अल्टीमेटली ब्लड को क्लॉट करने के लिए फाइब्रिनोजेन होना जरूरी है, जो हमारे ब्लड में मौजूद रहता है, जिसको आज मैं डिटेल में जब जाऊंगा तो आपको मैं बता दूंगा कि ये कैसे क्लॉट करता है। ओके, जब आज हम लोग क्लॉटिंग मैकेनिज्म पढ़ाएंगे तो आपको मैं बता दूंगा कि ये जो फाइब्रिनोजेन जो है ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, सोलूबल फॉर्म में रहता है। जब इंजरी होगा, जब कोई भी टिश्यू इंजर्ड होता है तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होंगे, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के बाद ये जो थ्रोम्बिन भी पहले नहीं बनता है, समझ में आ रहा है, पहले ये सारे इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, ये सब इनएक्टिव फॉर्म है, ये भी इनएक्टिव फॉर्म में। जब कहीं टिश्यू इंजर्ड होता है, जब भी कोई टिश्यू इंजर्ड हो सकता है,
या तो एक्सटर्नल किसी चीज से हो सकता है ना, कहीं कट गया तो हो सकता है, कहीं चोट लग गया तो हो सकता है, या कभी तुम ट्रॉमा भी बोल सकते हो, अचानक कोई सदमा लगा और वहाँ प्लेटलेट टूट गए, होता है ना, सुने हो ना, कि अचानक सदमा लगता है और वो हार्ट के जो ब्लड वेसल्स है वो टूट जाते हैं और वहाँ ब्लड क्लॉट कर जाता है, ब्रेन के जो ब्लड वेसल्स से क्लॉट कर जाते हैं, स्ट्रोक हो जाता है, सुने हो ना, ऐसा अचानक किसी सदमे से भी हो सकता है। एक होता कट गया तो ब्लड क्लॉट कर जाता है, एक हो गया चोट लगा मगर वहां से ब्लड नहीं निकला, तब भी तो क्लॉट करता है ना। तो हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में ये फाइब्रिनोजन रहता है, ये पूरे केमिकल रिएक्शंस के बाद अल्टीमेटली ये फाइब्रिन में बन जाता है तो ब्लड क्लॉट करेगा, मगर हमारे प्लाज्मा में हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में ये फाइब्रिनोजेन पड़ा रहता है, मगर जब तक ये सारे केमिकल रिएक्शन नहीं होंगे, जब तक प्लेटलेट डिसइंटीग्रेट नहीं होगा, टीशू इंजर्ड नहीं होगा, तब तक ये केमिकल रिएक्शन नहीं चल सकते, ठीक है। इसके तो फाइब्रिनोजेन हमारे प्लाज्मा प्रोटीन में ऑलरेडी मौजूद है मगर इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है, बाद में डिटेल में जाएंगे हम लोग इस पर। हाँ, तो हमारा जो टॉपिक था कि फाइब्रिनोजेन का काम क्या है, फाइब्रिनोजेन का काम है ब्लड कोआगुलेशन, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ओके, ग्लोबुलिन बोल के एक प्लाज्मा प्रोटीन होता है, तुमने इम्यूनोग्लोबुलिन का नाम सुना है, इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी, कोई भी जर्म्स आता है तो हमारा सेल्स उसके खिलाफ एक एंटीबॉडी बनाता है। अरे हमने ने कोरोना का जो वैक्सीन बनाया, जब कोरोना का वैक्सीन लिया था तो बोल रहे थे ना हमारा बॉडी में वैक्सीन लेने से एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा, याद है। हम कोई भी वैक्सीन जो लेते हैं उसका मकसद क्या रहता है, हमारा वैक्सीन लेने का मकसद क्या है, कि उस जर्म्स को इनएक्टिव करके हमारे बॉडी में डालना ताकि मेरे बॉडी उसको पहचान सके, डेड बॉडी, उस डेड बॉडी को मेरा बॉडी पहचानेगा, पहचान लेगा अरे जर्म्स तो ऐसे ही होता है। तो क्या होता है कि हमारा जो बोन मेरो है, यहाँ एक सेल बनता है जिसका नाम है बी लिम्फोसाइट्स, क्या नाम है, बी लिम्फोसाइट्स। हम लोग जब ये बात करेंगे ना WBC की, तब मैं बताऊंगा आपको WBC में एक होता है लिम्फोसाइट्स, ओके, एक होता है बी लिम्फोसाइट्स, ये बी लिम्फोसाइट्स है ना, ये बोन मेरो बनाता है। जब भी कोई एंटीजेन मतलब फॉरेन पार्टिकल आएगा ना, तो ये बी बोन मेरो में जो बी लिम्फोसाइट्स है ये दो सेल बनाता है, एक सेल का नाम है प्लाज्मा सेल, एक दूसरे का नाम है मेमोरी सेल, ठीक है। आप देखोगे ये बी लिम्फोसाइट्स एक बनाएगा प्लाज्मा सेल और एक बनाएगा मेमोरी सेल, ठीक है। बी लिम्फोसाइट्स का ओरिजिन एंड डेवलपमेंट बोन मेरो में हुआ है, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट्स एक सेल बनाता है प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल, प्लाज्मा सेल तुरंत ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाएगा, ओके, वाई की तरह एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसका नाम है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी क्या करता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, उसको पकड़ने का काम करता है। यहां पर एक साइट होता है जो उस एंटीजेन को, एंटीजेन मतलब बैक्टीरिया को, वायरस को पकड़ने का काम करता है। ये जो रीजन है थोड़ा सा ऐसा रीजन है, ओके, ये वाला रीजन एंटीजेन को पकड़ने का काम करता है। तो कोई भी, देखो कोई भी जर्म्स अगर मेरे बॉडी में आया तो उसके खिलाफ मेरे बॉडी जो वेपन्स बनाएगा उसका नाम है एंटीबॉडी। कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल है जो मेरे बॉडी का एंटीबॉडी प्रोडक्शन कर सकता है उसका नाम है एंटीजेन, फॉरेन पार्टिकल, मगर उसको पकड़ने का काम मेरा बॉडी का एंटीबॉडी करेगा। ये हमारा बचपन से मौजूद नहीं है, जब कोई जर्म्स आता है तभी यह बनता है, पहले से ही मौजूद नहीं रहता है, ठीक है, पहले से मौजूद नहीं रहता है। ये हमने अपने लाइफ टाइम में अचीव किया है, एक्वायर किया है। जैसे किसी को एक बार पॉक्स हो जाता है तो दोबारा होता है क्या, नहीं होता है, वैक्सीन ले लेते हैं ना, ले लेते ना पॉक्स की, ताकि हमको पॉक्स ना आए। तो जब क्या होता है कि मेरा बॉडी जब उस जर्म्स को पहचान लेता है उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा, मगर एंटीबॉडी कौन बना रही है, प्लाज्मा सेल, मेमोरी सेल तो उसको याद करके रखता है। मेमोरी सेल क्या करता है, ये जो प्लाज्मा सेल है जो तुमने अभी देखा, एक सेल देखा था, वो एक सेल है, वो ऐसा एक प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन बोलो या ग्लाइकोप्रोटीन बोलो,
प्रोटीन बनाता है, ये प्रोटीन क्या करता है, एंटीजन को पकड़ने का काम करता है, एंटीजन को पकड़ के उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा, अभी लंबा प्रोसेस है, ठीक है। तो ये जो हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन ग्लोबुलिन, इसका काम है डिफेंस, ठीक है, इसका काम है डिफेंस, जर्म से बचाने का काम करता है, इसके अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया उसको पकड़ने का काम करता है, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। ये करता है बी लिम्फोसाइट्स का एंटीबॉडी, जिसको हम लोग एंटीबॉडी बोल सकते हैं या इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, हम इसे बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, जो डिफेंस में काम करता है, एक तरह का ग्लोबुलिन प्रोटीन, एक प्रोटीन है ग्लोबुलिन प्रोटीन है जो इम्यून सिस्टम में काम में आता है। तो देखो मेरा बॉडी जब फाइनली एक जर्म्स आया तो मेरे बॉडी ने प्लाज्मा सेल मेमोरी सेल बनाया, मगर हम इस मेमोरी सेल के लिए को बनाने के लिए एक और स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, हम क्या करते हैं वैक्सीन दे देते बचपन में, जैसे पोलियो का बीसीजी, बैसिलस कैल्मेटग्यूरिन या टैप, बहुत सारे तरह का वैक्सीन दिया जाता है बच्चों को, दिया इसीलिए जाता है कि फ्यूचर में वो जर्म्स आ सकता है मेरे बॉडी में, तो मेरा बॉडी उसको पहले से ही पहचाने, मतलब मेरा बॉडी बचपन से ही उस जर्म्स को पहचान के रखे कि सचमुच का जब वो जर्म्स आए तो मेरा बॉडी तब तक एंटीबॉडी मेमोरी सेल बना के रखा है कि मेरा बॉडी तो उसको पहचान लेगा ना, मेरा बॉडी उसको पहचान लेगा कि अब वो फ्यूचर में कभी भी आएगा तो मेरा बॉडी क्या करेगा, तुरंत ये मेमोरी सेल ऐसे ही मिलता जुलता एंटीबॉडी बनाएगा। इस एंटीबॉडी बनाने को टाइम लगता है, तुरंत नहीं बनता है, और तब तक मेरा बॉडी अगर नहीं बना पाया तब तक तो डेथ भी हो सकती है ना, जैसे छोटे बच्चे का डेथ हो सकता है अगर आप वैक्सीन नहीं दोगे तो, हो सकता है ना। तो बचपन से ही उसको क्या किया जाता है, वैक्सीन दे दे के उसको बॉडी को पहचान लो, ऐसे ही होता है, मिलता जुलता एंटीजन ऐसे ही आएगा तुम्हारे बॉडी में, और सचमुच का जब वो जर्म्स आता है तो मेरा बॉडी तो उसको पहले से पहचानता है ना, मेरा बॉडी पहले से उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना के रखा है, उसके खिलाफ वेपन्स बना के रखा है, इसका मतलब जैसे ही वो आएगा मेरा बॉडी पहचानता है, तुरंत काम करेगा, समझ में आ रहा है। जैसे कभी कभी हम लोग को सर्दी जुकाम होता है, 3 दिन 4 दिन रहता है ना, उसके बाद हम खुद ठीक हो जाते हैं ना, ऐसा क्यों, क्योंकि मेरा बॉडी के लिए वो जर्म्स मेरे लिए नया है, तो मेरे बॉडी को एंटीबॉडी बनाने में टाइम लगेगा ना, मेरा बोन मेरो का जो सेल है बी लिम्फोसाइट उसको पहचानेगा, फिर उसके खिलाफ मिलता जुलता एंटीबॉडी बनाएगा, समझ में आ रहा है। तो मेरा बॉडी एंटीजन के खिलाफ जो प्रोटीन बनाता है उसका नाम है एंटीबॉडी, बनाने वाला है बी लिम्फोसाइट जो बोन मेरो से प्रोड्यूस होता है, हाथ पैर के जो भी बोन्स मेरो, बोन मेरो समझते हो, बोन मेरो चिकन मटन चिकन उकन खाते हो, जो भी बोन्स वगैरह है उसमें ये बीच में जो ब्राउनिश मटेरियल रहता है ना, इसको बोलते हैं येलो बोन मेरो, इसको बोलते हैं रेड बोन मेरो, ये रेड बोन मेरो, ये सब बोन मेरो है। कभी बोन्स तोड़ के देखे हो, अंदर ब्राउनिश रहता है ना, पहले देखोगे यंग, मतलब शुरू शुरू में जब तोड़ोगे तो रेड नजर आता है, इधर रेड नजर आता है, यहीं पर बनता है, बोन्स के अंदर बनता है बोन मेरो, समझ में आ रहा है। तो ये मामला समझ में आया, ग्लोबुलिन बोल के क्या होता है, एक टर्म्स आया था ग्लोबुलिन, हाँ तो हमारा टर्म्स आया था एक ग्लोबुलिन क्या होता है, ग्लोबुलिन एक्ट्स एज एंटीबॉडीज, इसका मतलब एंटीजन के खिलाफ एक स्पेशल प्रोटीन जो बी लिम्फोसाइट्स बनाएगा, डिफेंस ऑफ द बॉडी मतलब फॉरेन पार्टिकल को किल करने के लिए, फॉरेन पार्टिकल के लिए एकदम स्पेसिफिक होता है, मतलब जो भी एंटीजन के है ना उसके खिलाफ ही बनेगा एंटीबॉडी, एक एंटीबॉडी बाकी दूसरे एंटीजन को नहीं डिस्ट्रॉय कर सकता है, जो एंटीजन का उसी के खिलाफ एंटीबॉडी बनेगा, जैसे लॉक एंड की होता है ना स्पेसिफिक, वैसे ही एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी एकदम स्पेशल। मगर वही जानते हो जब एचआईवी आता है, एचआईवी जिसे एड्स हो सकता है, वो जब अपना स्ट्रक्चर बनाता है, मेरा बॉडी तो एंटीबॉडी बना सकता है ना, बनाता भी है, मगर एचआईवी जो है वो अपना स्ट्रक्चर बदल देता है, मेरा बॉडी जैसे उसके खिलाफ कुछ बनाएगा वो अपना स्ट्रक्चर बदल लेगा, समझ में आ रहा है, मेरा बॉडी उसके साथ डील नहीं कर सकता, ये क्यूरेबल नहीं है, मेरा बॉडी भी नहीं कर सकता, बाहर से अगर मैं कुछ दूं भी रेडीमेड तब भी क्योर नहीं होता है। हाँ उसको रोकने का तरीका है, कुछ समय तक हम उसको रोक सकते हैं, 6 महीने 1 साल कुछ समय तक उसके रिप्रोडक्शन, जो वायरस का रिप्रोडक्शन उसको हम डिले कर सकते हैं, रोक सकते हैं,
मगर क्यूरेबल नहीं है क्योंकि वो अपना स्ट्रक्चर बदलते रहता है। तुम सोचो कि वैक्सीन्स जब दिए तो जर्म्स को हमने दिया, अगर वो अपना स्ट्रक्चर बदल लिया होगा तो मेरा बॉडी क्या रेडीमेड है क्या उसके खिलाफ, क्या मेमोरी सेल है? नहीं है ना। मतलब जैसा जर्म्स होता है वैसे ही तो हमने सेल बचपन में वैक्सीन के रूप में दिया था ताकि एंटीबॉडी बना सके ना, समझ में आ रहा है? मगर अगर वो स्ट्रक्चर बदल दिया है तो मेरा बॉडी को भी एंटीबॉडी का अपना स्ट्रक्चर बदलना चेंज करना पड़ेगा ना, तभी हम उसके साथ डील कर सकते हैं। केस क्लियर हुआ कि ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन में ग्लोबुलिन बोल के एक प्रोटीन होता है जो डिफेंस में काम में आता है, डिफेंस में। एल्बुमिन बोल के है, ऑस्मोटिक बैलेंस एल्बुमिन, ये भी है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे ब्लड में पीएच को रेगुलेट करना है या ऑस्मोटिक बैलेंस करना है, कितना कंसंट्रेशन होना चाहिए, उसका एक बैलेंस है ना। तो हम लोग जो बोलते हैं ऑस्मोस्टिक बैलेंस, कितना कंसंट्रेशन होना चाहिए, प्लाज्मा प्रोटीन जो है ये मेंटेन करता है, समझ में आ रहा है? ये जो पर्टिकुलर प्रोटीन है एल्बुमिन, वो रेगुलेट करता है कि ऑस्मोटिक बैलेंस क्या होना चाहिए, ब्लड प्रेशर के लिए क्या होना चाहिए, समझ में आ रहा है? ब्लड प्रेशर तो चेंज भी हो सकता है, जैसे अगर सोडियम ज़्यादा बढ़ा दिया तो ब्लड प्रेशर चेंज नहीं हो जाएगा। ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है ये रेगुलेट करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस, पीएच रेगुलेशन में हेल्प करता है। तो एल्बुमिन बोल के एक प्रोटीन है, हम तीन प्रोटीन का नाम पढ़ेंगे प्लाज्मा में और तीन फंक्शन पढ़ेंगे जो मैचिंग टाइप का क्वेश्चन आएगा। ये तीनों का नाम, ये तीनों इसमें से आपको मैचिंग करके निकालना है कि किसका क्या आंसर होगा। ऑस्मोटिक बैलेंस रेगुलेशन ब्लड प्रेशर एल्बुमिन, एंटीबॉडीज ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन ब्लड कोआगुलेशन ब्लड क्लॉटिंग, मैचिंग आएगा ठीक है। अब आता है कि हमारे प्लाज्मा में और क्या क्या हो सकता है। जो भी न्यूट्रिएंट आप ले रहे हो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होके जाता है ना, हमने तो डाइजेशन के बाद उसको एब्जॉर्ब कर लिया, मगर एब्जॉर्प्शन के बाद पूरे बॉडी में तो ट्रेवल करना है ना, तो किससे ट्रेवल करेगा? ब्लड, क्या आरबीसी, क्या डब्ल्यूबीसी? नहीं, जो लिक्विड कंटेंट है उसमें ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड आगे जाके मिलके प्रोटीन बनाएगा ठीक है। अमाइनो एसिड, देखो हमने जो खाना खाया है, जो भी कार्बोहाइड्रेट खाया है, उसको तोड़ के हम सबसे सिंपल शुगर क्या बनाएंगे? ग्लूकोज फ्रुक्टोज, यही सब बनाएंगे ना। अमाइनो एसिड्स, जो भी हमने प्रोटीन खाया है उसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, प्रोटीन का सबसे सिंपल जो यूनिट बोलेंगे वो होता है अमाइनो एसिड्स। तो हम बोलेंगे अमाइनो एसिड वो न्यूट्रिएंट है जो प्रोटीन के डिग्रेडेशन से होता है, ये भी न्यूट्रिएंट है। बाद में हमको बॉडी में कोई भी प्रोटीन बनाना है, जैसे अभी बनाना है ना एल्बुमिन ग्लोबुलिन फाइब्रिनोजेन, वो अमाइनो एसिड से ही बनेगा। इसके अलावा भी मेरे बॉडी में कितने इंजाइम्स है, ज़्यादातर जो इंजाइम्स होते हैं वो किससे बनते हैं? प्रोटीन से बनते हैं ना, अमाइनो एसिड से बनते हैं ना। तो यही अमाइनो एसिड इंजाइम बनाने का काम करेगा। सिर्फ एक ही इंजाइम है जो प्रोटीन नेचर का नहीं है, उसका नाम है राइबोजाइम। एक राइबोजाइम को छोड़ दो तो बाकी जितने भी इंजाइम है सब प्रोटीन नेचर का है। तो कौन बनाएगा? अमाइनो एसिड। बॉडी में हॉर्मोन्स, इंसुलिन सुना है ना, ग्लूकागन, ये सब बनाने का काम करता है अमाइनो एसिड। हॉर्मोन्स भी बनाने का काम करता है, समझ में आ रहा है? इंजाइम भी बनाने का, प्रोटीन, कितने सारे चीजें हैं। तो ये सब कहाँ से ट्रेवल करता है? प्लाज्मा में। ये प्लाज्मा में रहता है, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करके जाना है। देखो हर सेल में जाना है ना, ब्रेन में भी जाना है, हैंड में भी जाना है, लेग में भी जाना है, हर बॉडी पार्ट में जाना, आई में भी जाना है। तो ये अमाइनो एसिड ग्लूकोज तो ट्रेवल करके जाएगा ना, हर एक बॉडी पार्ट में जाएगा। तो किसके थ्रू जा रहा है? प्लाज्मा के थ्रू जा रहा है ठीक है। लिपिड्स, लिपिड्स फैट्स, लिपिड तुम फैट बोल सकते हो, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये भी प्लाज्मा से ट्रेवल कर सकता है, लिपिड फैट्स। कोलेस्ट्रोल, कोलेस्ट्रोल अच्छा है ना खराब है? कोलेस्ट्रोल अच्छा है ना खराब है? हाँ क्यों है ऐसा? कोलेस्ट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। अगर कोलेस्ट्रोल नहीं रहा तो जो मेल हार्मोन बोलते हैं ना टेस्टोस्टेरॉन, मतलब मेल एग्रेसिवनेस, हमारे बॉडी में ताकत, वो मेल का बिहेवियर, अगर कोलेस्ट्रोल नहीं रहता तो क्या ये बनता? कोलेस्ट्रोल नहीं होता तो ये मेल का जो बिहेवियर है, टेस्टोस्टेरोन जो मेल के लिए जो हार्मोन चाहिए,
या मेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के लिए या बिहेवियर जो भी चीज़ है वो बनते ही नहीं। कोलेस्ट्रॉल चाहिए फीमेल में, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कोलेस्ट्रॉल से बनता है। तो ऐसा मत सोचना कि तुम इसी एज में बोले गया मेरे को कोलेस्ट्रॉल नहीं चाहिए। अरे अभी तुम्हारे इस एज में टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए ना, कोलेस्ट्रॉल तो चाहिए ही चाहिए, मगर इतना कोलेस्ट्रॉल नहीं हो जाए कि हमारे ब्लड वेसल्स में जाकर जमा हो जाए, कि हमारा ब्लड जो जा रहा है लिक्विड कंटेंट वही ना जा पाए। हार्ट के पढ़ाए थे ना कोरोनरी आर्टरी डिजीज, तुम लोग को पढ़ाए थे कि हार्ट का जो कोरोनरी आर्टरी है वहाँ पर ब्लॉकेज हो जाता है कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन के वजह से, होता है ना। इतना ना कोलेस्ट्रॉल हो जाए, कोलेस्ट्रॉल चाहिए मगर इतना ना ज़्यादा चाहिए। एक पर्टिकुलर एज की बात बोलते हैं ना कोलेस्ट्रॉल कम कर लेने के लिए बोलते हैं ना, अब उस पर्टिकुलर एज के बाद हॉर्मोन्स का लेवल भी तो डाउन हो जाता है, नहीं होता है तब भी कोलेस्ट्रॉल लिए जा रहे जरूरत नहीं है, ये सारे ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल चाहिए मगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए। हर चीज़ कोई भी चीज़, विटामिन्स भी बोलेंगे, बहुत ज़्यादा अमाउंट में करोगे तो नुकसान नहीं करेगा। हॉर्मोन्स भी तुम्हारे बॉडी में ज़्यादा से जरूरत से ज़्यादा होगा तो नुकसान नहीं करेगा। तो हर चीज़ का एक लिमिट होना चाहिए। अगर ऐसा मत सोचना कि कोलेस्ट्रॉल अपने बॉडी को नहीं चाहिए, टीवी में ऐड आ रहा है भाई कोलेस्ट्रॉल फ्री है ऑयल, ठीक है मगर कोलेस्ट्रॉल तो चाहिए ना, उसके बिना कोई हॉर्मोन्स बनेगा क्या? जो हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन बन पाएगा क्या? ये भी ट्रेवल करता है, कोलेस्ट्रॉल भी ट्रेवल करता है। तो जो भी हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज अमाइनो एसिड लिपिड कोलेस्ट्रॉल ये सारे ओके ये सब हम लोग बोलेंगे तो न्यूट्रिएंट का सोर्स है एनर्जी प्रोडक्शन एंड ग्रोथ। ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स एक जगह से हमने डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन किया उसके बाद ये ट्रेवल करके हर पोर्शन में जा रहा है, तो ये एक न्यूट्रिएंट का काम एनर्जी का सोर्स भी काम करेगा। और हम जो ग्रोथ कर रहे हैं तो भी एनर्जी ऐसा तो नहीं चाहिए ना, मेरे काम करने के लिए चाहिए, हमारा ग्रोथ भी तो चाहिए, ग्रोथ भी तो चाहिए। इतने छोटे से जो मतलब बड़े हुए हैं ग्रोथ के लिए नहीं चाहिए ना न्यूट्रिएंट। तो ये न्यूट्रिएंट एनर्जी प्रोडक्शन एंड ग्रोथ हम दोनों के लिए ये न्यूट्रिएंट की बात करेंगे। इसके अलावा भी हम लोग इनऑर्गेनिक जैसे हम लोग Na+, Mg2+, क्लोराइड आयन, SCO3, बाइकार्बोनेट आयन, कैल्शियम आयन, ये जितने भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, जो भी हम लोग इनऑर्गेनिक सॉल्ट बोले सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन या कैल्शियम आयन, ये सारे ट्रेवल करते हैं। और ज़रूरत भी है हर चीज़ का, हर किसी का ज़रूरत है, समझ में आ रहा है। अगर ये सोडियम नहीं रहे ना तो हमारा ये जो फील कर रहे हैं ना नहीं हो पाएगा, समझ में आ रहा है। जो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन हुआ है ना एक जगह से दूसरी जगह, पर सोडियम नहीं होता तो पता भी नहीं चलता। कोई भी स्टिमुली इलेक्ट्रिकल केमिकल मैकेनिकल कोई भी स्टिमुली मिले बिना सोडियम का पॉसिबल नहीं है। ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करके जा रहा है ना, हम लोग बोलेंगे ये कैल्शियम का, ये भी नर्व इम्पल्स में हेल्प करता है ट्रांसमिशन में या कि मसल कॉन्ट्रैक्शन। मैं अभी अपने हैंड को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मतलब ऐसे उठा रहा हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये रिलैक्स हो रहा है, फिर ऐसे कर रहा हो तो ये रिलैक्स हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। बिना कैल्शियम आयन का नहीं पॉसिबल है, ये जितने मिनरल्स आयन है सब चाहिए, समझ में आ रहा है। तो मिनरल्स आयन हम लोग इसकी भी बात करेंगे, जब हम लोग ब्लड का ट्रांसपोर्ट पढ़ाएंगे ना तो बाइकार्बोनेट आयन के रूप में बोलेंगे, सोडियम पोटासियम बाइकार्बोनेट आयन के रूप में CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है ये पढ़ाएंगे, CO2+H2O H2CO3, उसके बाद ये ब्रेक डाउन होता है ये डिस्कस करेंगे, सबका रोल है। ठीक है, अभी सिर्फ पढ़ लो इसका काम क्या है, रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोसिस, सिर्फ ऑस्मोटिक बैलेंस अभी कर रहा है। जैसे हम लोग ने पढ़ा था एल्बुमिन प्रोटीन है, वैसे ये भी अभी ऑस्मोटिक बैलेंस, मगर हर किसी का सेल के अंदर फंक्शंस है, अभी तो बैलेंस करने का काम कर रहा है ऑस्मोसिस, पीएच रेगुलेट करने में हेल्प, गैसेस भी है। अगर आप CO2 बोलोगे, O2 बोलोगे, N2 बोलोगे, ये सब भी हाँ प्लाज्मा में मौजूद है, RBC के अंदर भी मौजूद है। क्यों? RBC के अंदर जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, जो CO2 है वो भी कार्बामिनो हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर जाता है, मगर प्लाज्मा में भी तो डिजॉल्व होकर जा रहा है। 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर जाता है, 7% CO2 प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर वापस आता है, समझ में आ रहा है।
सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटासियम बाइकार्बोनेट बोलेंगे तो उसमें भी इन्वॉल्व करेंगे हम लोग, मगर CO2 O2 का ट्रांसपोर्ट में प्लाज्मा भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये पोर्शन आपने देखा अभी तक, प्लाज्मा जो एक गुड सॉल्वेंट से जिसमें 90 से 92% वाटर है, प्लाज्मा में 90 से 92% आपको दिख रहा है वाटर है। तीन तरह का प्रोटीन है, फाइब्रोनोजेन, ग्लोबुलिन एंड एल्बुमिन। ये करीबन प्लाज्मा प्रोटीन 6 to 8% होगा, जो कि आपको देखेगा फाइब्रोजेन ब्लड क्लॉटिंग में, ग्लोबुलिन एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करेगा जो डिफेंस में है, ऑस्मोटिक बैलेंस या रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर के लिए। एल्बुमिन है, याद करने वाली पॉइंट है, समझाना तो हो गया, अब याद करना पड़ेगा। ये जितने भी न्यूट्रिएंट है, एनर्जी प्रोडक्शन एंड ग्रोथ के लिए, ये भी प्लाज्मा में है। जितने इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स है जो ऑस्मोसिस का काम करता है, ये भी प्लाज्मा में है। यहाँ तक कि गैसेस भी प्लाज्मा में मौजूद। अब इस प्लाज्मा से अगर आप ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर फाइब्रोजन हटा दो तो जो बचा हुआ पोर्शन है उसका नाम है सीरम, ठीक है। अगर आप प्लाज्मा से आप क्लॉटिंग फैक्टर हटा देते हैं तो जो बचा हुआ पोर्शन है उसका नाम हो जाएगा सीरम, ठीक है। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, प्लाज्मा विदाउट फाइब्रिनोजेन, सीरम याद रहेगा, ठीक है। हाँ बोले ना, ठीक है। देखो पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि एक तरह का डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन होता है हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करना, ठीक है। जैसे मान लो मैं अगरबत्ती जला दूं यहाँ पर, इसके धुएं फैलेंगे ना, ज़्यादा से कम की तरफ फैलेगा ना, एक परफ्यूम अगर छिड़को तो फैलेगा ना। ये क्या हुआ अभी गैस का, अगर मैं ये वाटर में इंक का ड्रॉप डाल दूं तो इसमें फैलेगा ना, तो ये क्या बोलते हैं हम, अभी क्या हो रहा है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन हायर से लोअर की तरफ। अगर मैं मान लो एक दो मीडियम है और बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया, ठीक है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सिर्फ सॉल्वेंट पास हो सकता है, मतलब लिक्विड कंटेंट, यहां भी शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन है, इधर भी है, बीच में क्या है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जिसमें सिर्फ वाटर जा सकता है। अब सोचो जहां वाटर का परसेंटेज ज्यादा होगा वो कम की तरफ जाएगा ना, जाएगा ना ज्यादा से कम की तरफ। तो यहां पर भी क्या हुआ, हायर से लोअर की तरफ, हायर से लोअर की तरफ जहां वाटर पोटेंशियल ज्यादा था वहां से कम की तरफ गया थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तब इसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन, इसी को बोलते हैं हम लोग ऑस्मोसिस। जब दो मीडियम ऐसा है और एक जगह से दूसरी जगह सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बीच में है, सिर्फ सॉल्वेंट मूव होगा, सॉल्यूट नहीं, तो हम लोग क्या बोलेंगे ऑस्मोसिस। अब मान लो मैंने एक किशमिश के दाने को वाटर में रख दिया, तो बाहर वाटर लिक्विड कंटेंट है, मतलब एकदम वाटर है, वाटर उस किशमिश के दाने के अंदर जाएगा ना, तो बाहर का जो मेम्ब्रेन है स्वेल कर जाएगा, तो हम लोग बोलते हैं एंडोस्मोसिस, ठीक है। मान लो किसी चीज कोई सेल को हमने रख दिया और बाहर पूरा कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन है, इसका मतलब जो सेल मौजूद है उसके बाहर का जो कंसंट्रेटेड है उस सेल से वाटर निकल के बाहर चला जाएगा ना, अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है तो वाटर को परमिट कर सकता है जाने के लिए, तो वो सेल फिर श्रिंक कर जाएगा ना और उसका वाटर बाहर निकल जाएगा ना, क्योंकि बाहर वाटर की कमी है और सेल के अंदर ज्यादा है, तो बाहर गया उसको क्या बोलेंगे एक्जोस्मोसिस, जब अंदर आएगा तो एंडोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस का स्वेल करेगा और जब बाहर जाएगा तो एक्जोस्मोसिस। ये पॉइंट क्लियर हुआ, सिर्फ सॉल्वेंट का मूवमेंट बोलना है, सोल्यूट का नहीं, ठीक है। ये भी एक तरह का डिफ्यूजन ही है, हायर से लोअर की तरफ, ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट। अब हम लोग जा रहे हैं तुम्हारे ब्लड का जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, ओके। आरबीसी पहला है आपको मिलेगा आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स का नाम है। दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट है डब्ल्यूबीसी, ओके, जिसको हम लोग ल्यूकोसाइट्स बोल सकते हैं, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, वाइट ब्लड सेल्स। तीसरा होता है प्लेटलेट, जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइट्स, ओके।
आपको यहाँ नजर ही आ रहा होगा WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स या रेड ब्लड सेल्स। तो हम लोग डिटेल में अब जाने वाले हैं RBC, फिर WBC और उसके बाद प्लेटलेट्स। ठीक है, ये थ्री फॉर्म्ड एलिमेंट है, इसको आप कर्पसल्स भी बोल सकते हो। ओके, पहला एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ब्लड का, ब्लड में आरबीसी का प्लाज्मा हो गया, अब आरबीसी। तो आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स है, ये रेड है, क्यों? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन है, क्योंकि इस आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, 270 मिलियन हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन है। और हीमोग्लोबिन में तुम जानते हो Fe आयरन रहता है, आयरन रहता है, जिसके कारण इसका कलर हो गया रेड। अगर ये कॉपर होता तो क्या कलर होता? ब्लू। अगर ये कॉपर होता, आयरन की जगह अगर कॉपर होता तो ये ब्लू हो जाता। जैसे हम लोग बोलते हैं मोलस्क, स्नेल, उनमें होता हीमोसाइनिन, कॉपर कंटेनिंग होता है, हम लोग यहाँ आयरन कंटेनिंग बोलेंगे, आयरन के कारण इसका कलर हो गया रेड। तो हम जनरली बोलते हैं हीमोग्लोबिन के कारण हो गया रेड, यही बोलते हैं ना, आरबीसी में हीमोग्लोबिन इसलिए रेड है, हीमोग्लोबिन में हीमग्लोबिन, इसमें जो आयरन है इसकी वजह से ये रेड कलर हो जाता। ठीक है, बहुत सारा देख रहे हो, कितने सारे यहाँ पर हीमोग्लोबिन मौजूद है। ये आरबीसी क्या होता है, थोड़ा चपटा रहता है, मतलब बाई कॉनकेव बोलते हैं, बाई कॉनकेव मतलब ये स्ट्रक्चर जो है जो दोनों साइड से चिप है ना। इसका कारण ये भी बोल सकते हैं, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, यही अगर फ्रॉक का न्यूक्लियस आरबीसी देखोगे ना तो फ्रॉक का आरबीसी बाई कॉन्वेक्स है, कि बीच में न्यूक्लियस मौजूद है, यहाँ न्यूक्लियस नहीं है, गड्ढा दिख रहा है ना, न्यूक्लियस नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं है, गॉल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस कुछ भी नहीं है, ज्यादा हीमोग्लोबिन। इसका सारा एरिया ले रहा है हीमोग्लोबिन के लिए, ताकि ये ऑक्सीजन को कैरी करके ले जा सके, समझ में आ रहा है। करीबन 100 ml ब्लड जो होता है, 100 ml ब्लड में करीबन 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए, 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। अभी हीमोग्लोबिन चेक करते तो बोलते ना, किसी का 11 है, 12 है, 13 है, किसी का 9 हो गया, 10, सुनते हो ना, वो ग्राम में बोलते हैं, 100 ग्राम, 100 ml में कितना ग्राम मौजूद है, बस इतना ही। ठीक है, तो ये होना चाहिए करीबन 12 से 16 ग्राम। इसका अगर डायमीटर देखोगे तो 7.5 माइक्रोमीटर है, अगर थिकनेस देखोगे तो 2 माइक्रोमीटर इसका विड्थ है। ठीक है, ठीक है, अगर डायमीटर देखोगे तो 7.5 माइक्रोमीटर, 7 माइक्रोमीटर भी तुम याद कर सकते हो, 7 माइक्रोमीटर। ओके, तो रेड कलर क्यों है? हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन का लेवल 12 से 16 ग्राम पर 100 ml होता है, 12 से 16 ग्राम पर 100 ml होना चाहिए का हीमोग्लोबिन का कंटेंट दिया हुआ है अमाउंट। लाइफ स्पैन 120 डेज। देखो यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्गी बॉडी कुछ भी नहीं है, फिर भी 120 डेज तक सर्वाइव करता है। यही तुम WBC देखोगे तो ज़्यादा दिन नहीं, 6 डेज, 10 डेज, 12, 13, 14 डेज, ज़्यादा नहीं सर्वाइव करता, उसके बाद न्यूक्लियस व्यूक्लियस सब है, समझ में आ रहा है। इसका मतलब कुछ अलग ही मैकेनिज्म चलता है यहाँ पर, कि 120 डेज तक सर्वाइव कर रहा है ना। तो आप लाइफ स्पेन देखोगे तो 120 डेज इसका देखोगे, करीबन अगर आप काउंट देखोगे तो करीबन 50 से 55 लाख पर mm क्यूब, पर मिलीमीटर क्यूब अगर हम देखेंगे तो 50 से 55 लाख, 5 से 5.5 मिलियंस आरबीसी का नंबर है पर mm क्यूब, 5 से 5.5 मिलियन पर mm क्यूब। ओके, तो आपको ये नंबर मिल गया आरबीसी काउंट, तो बोलते हैं आरबीसी काउंट पर mm क्यूब में कितना होगा। मेल्स में थोड़ा ज्यादा होता है, 50 से 55 लाख,
फीमेल्स में 45 से 50 लाख होता है, ठीक है, फॉर्म्ड कहाँ बनेगा, अभी दिखा रहा था ना बोन्स के अंदर, बोन मेरो, अभी थोड़ा देर पहले मैं बोल रहा था ना, ऐसे बता रहा था ना, ऐसे बोन्स जो होता है ये वाला पोर्शन होता है रेड बोन मेरो, यहाँ पर भी रेड बोन मेरो, तो सॉफ्ट होता है ना, कभी खाए हो तोड़े हो, साइड वाला थोड़ा नरम होता है ना, स्पॉन्जी थोड़ा सा है ना वो वाला एरिया, यहाँ पर आरबीसी वगैरह का फॉर्मेशन होता है, आरबीसी डब्ल्यूसी प्लेटलेट, यहाँ पर ज़्यादातर फैट स्टोरेज रहता है, ये जो ना येलो बोन मेरो, यहाँ ज़्यादातर फैट स्टोरेज होता है, ये बहुत ही नरम होता है, और जो ग्रोथ अभी हो रहा है ना, ये एरिया बहुत ही नरम है, सॉफ्ट है, इसलिए ग्रोथ भी हो रहा है, एक पर्टिकुलर एज के बाद ये जो प्लेट होता है एपिफाइसियल प्लेट, ये क्लोज भी हो जाएगा, 18-19 या जो भी बोले 18-19-20 उस एज के बाद भी हाइट बढ़ती है क्या, नहीं बढ़ती है ना, क्योंकि ये जो एपिफाइसियल प्लेट होता है ये क्लोज हो जाता है, ये जो सॉफ्ट है ये बाद में क्लोज हो जाता है, इसलिए फिर ग्रोथ नहीं होता, फिर भी अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज हुआ तो टेढ़े हो जाएंगे बोन्स, फिर भी अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो हम लोग देखेंगे बहुत ज़्यादा हो रहा है तो क्या होगा, बोन्स टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, इसको बोलते हैं एक्रोमेगाली, समझ में आ रहा है कि फेस वगैरह देखोगे फेस वगैरह टेढ़े हो जाएंगे, डेथ भी हो जाता, पता भी नहीं चलता है ना, एडल्ट होने के बाद भी ग्रोथ हो रहा है, तो ऐसा मत सोचना कि भाई एडल्ट हो गए अब भी ग्रोथ हार्मोन आएगा तो हम और लंबे हो जाएंगे, तो बोन्स टेढ़े भी तो हो जाएंगे, ये एपिफाइसियल प्लेट क्लोज भी तो हो जाता है, समझ में आ रहा है, हाँ अगर एडल्ट होने के पहले तक भी ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो वो थे जाइगंटिज्म, हो जाओगे 7-8 फुट से ज़्यादा, सब लोग देखेंगे तुम्हें, अरे देखो आ रहा है ना, वो अच्छा नहीं है, कितने लोग सोचते हैं ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा लेकर, तो हाइट अपना है सही है ना, अगर अपने इस पर्टिकुलर उम्र में भी ज़्यादा होगा तो क्या बोलेंगे, जाइगंटिज्म, हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना, और अगर एज एडल्ट होने के बाद हुआ तो बोलते एक्रोमेगाली, कि फेस वगैरह टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, ये टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, ऐसे निकल जाता है, फेस टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, बोलते एक्रोमेगाली, है ना, तो ये होता है वो बोन मेरो, जहाँ पर आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट ये जितने भी बोन मेरो जो भी सेल बोलते हैं ब्लड सेल सब यही बनता है, ठीक है, तो रेड बोन मेरो, अच्छा हम फिटस कंडीशन में थे तो लीवर में भी बना है और स्प्लीन में भी बना है, जब हम फिटस कंडीशन में थे ना पूरी तरह से बोन्स नहीं बना था ना उस समय, मदर के उम्र में जब थे, तो ये जो लीवर है यहाँ तो नहीं लिखा, हाँ लीवर है या स्प्लीन है, यहाँ पर बनता था, जिसको हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस, आरबीसी का फॉर्मेशन क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपोइसिस, आरबीसी एरिथ्रोसाइट्स का फॉर्मेशन एरिथ्रोपोइसिस, आगे जाके जब हॉर्मोन्स की बात करेंगे तो पढ़ाऊंगा कौन कौन से हॉर्मोन्स को बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है, तो अभी जो हम लोग फिटस कंडीशन में थे तो लीवर स्प्लीन, मगर एक्चुअली अब हम क्या बोलते हैं, रेड बोन मेरो, मतलब बोन्स, डायरेक्टली बोन्स बोलना चाहते हैं, ओके, तो बाई कॉन्केव, इसका सेप हम लोग बोल रहे थे, इसका सेप जो होता है बाई कॉन्केव, देख रहे हो दोनों साइड से इसे चपटा है, हम लोग बाई कॉन्केव बोल सकते हैं, नो न्यूक्लियस माइट्रोकॉन्ड्रिया गोल्गी कॉम्प्लेक्स, के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं है, ओके, हम इसके अंदर गोल्गी बॉडी माइट्रोकॉन्ड्रिया ऐसा कुछ देखने वाले नहीं है, इसका पूरा स्पेस हीमोग्लोबिन के लिए है, ताकि ऑक्सीजन CO2 को ट्रांसपोर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके, ठीक है, तो इसका मकसद हो गया O2 एंड CO2 को ट्रांसपोर्ट करना, O2 और CO2 को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में हीमोग्लोबिन हेल्प करेगा तो RBC हेल्प करेगा, सिंपल सा गैसेस ट्रांसपोर्ट, O2 एंड CO2 का ट्रांसपोर्ट में RBC का काम है, एथ्रोसाइट्स का यही रोल है, RBC 120 डेज इसका लाइफ स्पैन है, तो मरता कहाँ है, मरता है ये स्प्लीन में, ये जो स्प्लीन देख रहे हो चमक के पास में, ये है ग्रेवयार्ड ऑफ RBC, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC की मौत यही होती है, ग्रेवयार्ड सुने हो ना, कब्रिस्तान हो गया, कहीं मरने का जगह हो गया, तो हम लोग बोलते ग्रेवयार्ड, तो RBC की मौत होती है स्प्लीन में, और यही जो हीमोग्लोबिन है
ये टूट कर बाद में बनाता है बिलिरुबिन, विलिबर्डीन, यूरोक्रोम, स्टेरकोबिलीन, ऐसे से पिगमेंट बनाते हैं। बाइल का नाम सुना? बाइल, बाइल पिगमेंट, बाइल जूस, उसमें दो पिगमेंट सुना होगा, बिलिरुबिन, विलिबर्डीन। जो हम लोग फैट्स खाते हैं, फैट्स ले रहे हैं ना, उसको तोड़ने का काम ये पिगमेंट करता है, बाइल। बिलिरुबिन और बिलिबर्डीन जो होता है, ये आरबीसी का हीमोग्लोबिन जो टूटता है ना, तो बिलिरुबिन बिलिबर्डीन बनता है, और ये लीवर में जाकर बाइल जूस बना रहा है, गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है, ये लीवर में बनता है, जिसका काम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। और वही जब ये हो जाता है, क्या नाम है, जॉन्डिस होता है, तो बोलते हैं ना येलो येलो बहुत ज़्यादा हो गया, ये पिगमेंट जब बढ़ जाता है, जब लीवर डिस्फंक्शन हो जाता है, तो ये बिलिरुबिन बिलिरुबिन ज़्यादा हो जाता है, तो बोलते हैं जॉन्डिस हो गया, एबनॉर्मल लीवर डिस्फंक्शन। वही यूरिन में भी हम लोग देखेंगे, यूरोक्रोम, यूरिन में कभी कभी येलो, पानी कम पीने से होता है ना येलो, फिकल मटेरियल में भी येलो, स्टेरकोबिलिन, यही आरबीसी, पुराने आरबीसी जो है ना, ये मर जाते हैं ना, ये अलग अलग पिगमेंट बना ले, सब स्प्लीन में होता है। तो वही बोला गया है वर्न आउट आरबीसी, जो पुराने सड़े, जो वर्न आउट डैमेज हो गया वो डिस्ट्रॉय होता है स्प्लीन में, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रेवियार्ड ऑफ आरबीसी, ये स्प्लीन है। स्प्लीन में डिफेंस में बहुत काम में हेल्प करता है। देखो हमारा दो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गेन है, एक हो गया हमारा बोन मेरो, जो बोन्स के अंदर मेरो है, बोन मेरो, और दूसरा बोलते हैं थाइमस, यहाँ पर ये जो स्टर्नम है ना, इसके पीछे होता है थाइमस, तो हार्ट का जो अरोटा होता है ना, उसके सामने। याद है जब हमने लिम्फोसाइट्स बता रहे थे, तो मैंने एक टी लिम्फोसाइट्स बोल के बताया था, टी लिम्फोसाइट्स, ये टी लिम्फ नहीं, टी लिम्फोसाइट्स एक है टी, इसका मैचुरेशन थाइमस में होता है, यहाँ पर जस्ट हमारा ये जो है ना, ये जो स्टर्नम है, ये रिब्स है, ये स्टर्नम है, जस्ट इसके पीछे, ओके, जस्ट इसके हम लोग पीछे देखेंगे ये टी लिम्फोसाइट्स, ओके, मतलब थाइमस, यहाँ पर टी सेल्स का मैचुरेशन होता है, टी सेल का डिफरेंशिएशन होता है। बताया था टी सेल के बारे में, टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल, कभी बताया तुम लोगों, टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल, टी मेमोरी सेल, टी सप्रेसर टी सेल, ये सब थाइमस में होता है। एक हार्मोन आता है थाइमोसिन, ये इतने सारा का टी सेल बनाता है, वो भी डिफेंस में काम में आता है। तो ये दो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गेन होता है, एक बोन मैरो थाइमस, और स्प्लीन, और भी बहुत सारे ऑर्गेन होते हैं जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गेन बोलते हैं, मतलब डिफेंस में काम में आता है। जैसे टॉन्सिल का नाम सुना होगा, है ना, टॉन्सिल का नाम सुना है ना, स्प्लीन, टॉन्सिल सब सेकेंडरी है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गेन है। कोई जम्स आएगा तो ये स्वेल कर जाता है ना, स्वेल कर जाता है ना। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे स्प्लीन, ये भी एक लिम्फोइड ऑर्गेन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गेन है, ओके। मगर अभी हमको कंसंट्रेट करना है आरबीसी का, जो वर्नआउट आरबीसी है उसका जो डैमेज होता है, या ग्रेवियार्ड ऑफ आरबीसी जो बोलते हैं, वो स्प्लीन है, याद रहेगा स्प्लीन, ये जो है लीवर के पास, किडनी, ये स्टमक के पास, ये होता है स्प्लीन, यही आरबीसी की मौत होती है। क्लियर है? ठीक। डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, इसको आप ल्यूकोसाइट्स बोल सकते हो, ल्यूकोसाइट्स। तो अगर कलर देखोगे तो कलरलेस है, हाँ तुम स्टेन देखे इसका हम लोग कलर देख सकते हैं, मगर जनरली हम बोलेंगे तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स बोलो या कलरलेस बोलो, ठीक है, कलरलेस हम बोले। लाइफ स्पैन वेरी कर सकता है, 1 से लेके 15, जैसे मैंने बोला 7 डेज, 8 डेज, 10 डेज, 12 डेज, तो हम लोग एक बोल देते हैं लाइफ स्पैन 1 से लेके 15 डेज, एक लाइफ स्पैन बोल देते हैं, इतना रेंज है 1 से लेके 15 डेज। जैसे आपने आरबीसी में काउंट देखा 50 से 55 लाख, ऐसे था ना, 5 से 5.5 मिलियन पर एमएम क्यूब, इसका नंबर देखोगे 6,000 से 8,000 पर एमएम क्यूब कम है। अगर ब्लड सेल में कोई बोले सबसे ज्यादा कौन है, तो हम बोलेंगे आरबीसी, सबसे कम कौन है। तो अगर आपसे बोला गया आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तो आप डब्ल्यूबीसी के साथ जाओगे, क्योंकि अगर प्लेटलेट्स के साथ भी जाओगे तो करीबन 1.5 लाख से 3.5 लाख, प्लेटलेट्स सुने हो ना, इतना होता है, 1.5 लाख 3.5 लाख तक होता है पर एम एम क्यू, तो इसका करीबन 6,000 से 8,000, ओके। और उसमें भी सबसे कम अगर है तो ये बोलेंगे बेसोफिल, पढ़ाऊंगा मैं अभी,
बेसोफिल ये सबसे कम होता है, इस डब्ल्यू बी सी में सबसे कम होता है बेसोफिल। अगर डब्ल्यू बी सी में भी देखेंगे तो ये 0.5 या 1% तुमको देखने को मिलेगा। डब्ल्यू बी सी में भी टाइप से उसमें सबसे कम होता है बेसोफिल, और डब्ल्यू बी सी में सबसे ज़्यादा होता है न्यूट्रोफिल, सबसे ज़्यादा होता है न्यूट्रोफिल। ये फेगोसाइटिक का काम करता है, मतलब कोई फॉरेन पार्टिकल है ना आ जाएगा, जैसे अमीबा खाते हैं ना स्यूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर ऐसे इनगल्फ करता है, वैसे ये भी न्यूट्रोफिल भी वैसे ही करता है, फॉरेन पार्टिकल को खा जाता है। फेगोसाइटिक एक्टिविटी अमीबॉइड सेल बोलते हैं इसको, सबसे ज़्यादा है डब्ल्यू बी सी में 60 से 65% अगर कोई बोलेंगे तो बोलेंगे ये न्यूट्रोफिल है। तो ये बनता कहाँ है भाई? बोन मेरो, बोन मेरो बताया था, लिम्फ ग्लैंड्स। हमारे बॉडी में जैसे तुम देखते हो ना, जैसे तुम अपने हमारे बॉडी में हम लोग ब्लड वेसल्स देखते हो ना, ऐसे लिम्फेटिक वेसल्स भी है। ओके, और जगह जगह लिम्फ ग्लैंड्स है। जैसे मैं अगर आपको लिम्फेटिक वेसल्स दिखा दूं, अगर मैं लिम्फ वेसल बोलूं, लिम्फ वेसल, लिम्फ नोड्स, लिम्फ वेसल्स, देख रहे हो जैसे तुम्हारे बॉडी में ब्लड वेसल्स होता है ना, ऐसे ही लिम्फोसाइट्स तुम देखोगे कि ऐसे ही तुमको बहुत सारे लिम्फोसाइट्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तुम्हें देखने को मिलेगा बॉडी में ऐसे ब्लड वेसल्स की तरह तुमको देखने को मिलेगा लिम्फोसाइट्स। ओके, इसमें जगह जगह तुमको लिम्फ नोड्स देखने को मिलेगा, जगह जगह ऐसे जैसे नोड नोड हो, देख रहे हैं जैसे इस स्ट्रक्चर में तुमको छोटे छोटे नोड दिख रहे हैं। देखो ये जो लिम्फेटिक वेसल्स है, ये जगह जगह देख रहे हो, इसमें स्प्लीन जुड़ा हुआ है, थाइमस, ये थाइमस का लोकेशन है, बोल रहा था ना जो डिफेंस में काम में आता है। तो जैसे हम लोग ब्लड वेसल्स बोलते हैं ऐसे लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, इसमें लिम्फोसाइट्स मौजूद होते हैं। ओके, लिम्फोसाइट्स मौजूद होते हैं, ऐसे ही ब्लड वेसल्स है, जगह जगह तुमको दिख रहा होगा ऐसे लिम्फ नोड्स है। इसका मतलब बोन मेरो के अलावा यहाँ पर भी फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर भी होता है ल्यूकोसाइट्स का फॉर्मेशन। तो ये हो गया हमारे लिम्फेटिक वेसल, जगह जगह लिम्फ नोड्स, ये हो गया हमारा स्प्लीन, थाइमस, जिसके बारे में बोल रहे थे, जो डिफेंस में काम में आने वाला है। डब्ल्यू बी सी का मेन काम ही है डिफेंस, मेन अगर कोई काम बोले तो क्या बोलेंगे, डिफेंस, यही है ना। तो हमारा बोन मेरो हो गया, लिम्फ ग्लैंड्स हो गया, जगह जगह तुमको लिम्फ ग्लैंड्स मिलेंगे, तुम्हें स्प्लीन देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर एक टॉन्सिल्स भी तो ग्लैंड्स का ही काम कर रहा है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर हम बोलने वाले बोन मेरो, लिम्फ ग्लैंड, स्प्लीन वगैरह, ये हो गया हमारा डब्ल्यू बी सी का जहाँ पर फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लियेटर, इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो तुमको दिख रहा है बहुत सारे न्यूक्लियस। कि हमने आरबीसी जब बनाया था तो कोई न्यूक्लियस दिखाया था? आरबीसी बनाते समय कोई न्यूक्लियस दिखाया था? आरबीसी में न्यूक्लियस होता ही नहीं है कि नहीं होता है? वैसे ही डब्ल्यू बी सी तुम देखोगे तो न्यूक्लियस सर, उसमें भी अलग अलग लोब उनको यहाँ दिख रहा हो, कितने मल्टी लोब दिख रहे हैं, दिख रहे हैं न्यूट्रोफिल में मल्टी लोब। यहाँ पर दिख रहा है क्या, हेडफोन की तरह दिख रहा है ना, बाइलोब, ऐसे बाइलोब्ड है। ओके, ये बाइलोब नहीं होता, ये तो होता है ट्विस्टेड, एस शेप्ड होता है। एस शेप्ड मतलब एक स्ट्रक्चर है, उसको मैंने थोड़े से मोड़ दिया तो एस की तरह बन जाएगा ना, एस शेप्ड बोलो या बोलोगे ट्विस्टेड। ठीक है, यहाँ पर सेप उतना क्लियर नहीं आया, और तुम एनसीईआरटी में देखोगे तो तुम्हें तस्वीर नज़र भी नहीं आएगी। कभी कभी एमसीक्यू जो क्वेश्चन करते हैं, जिसकी तस्वीर सही से नज़र नहीं आ रही है, तो न्यूक्लियस ठीक से नज़र नहीं आ रहा है, वो बेसिकली ऐसा कभी तुमको क्लियर दिखेगा ही नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं है, थोड़ा सा ट्विस्टेड होता है। ओके, देखना अच्छे से नहीं दिख रहा है, ओ इसका होता है ये बेसिकली है। ठीक है, बच्चों को ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, वही है बेसिकली। लिम्फोसाइट्स में जो न्यूक्लियस तुम देखोगे, लार्ज न्यूक्लियस एंड थीन रिम ऑफ साइटोप्लाज्म, लार्ज न्यूक्लियस एंड थीन रिम, थीन रिम, रिम की तरह है ना, रिम, थीन रिम ऑफ साइटोप्लाज्म, लार्ज न्यूक्लियस, ये होता है लिम्फो ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट्स हम बोलते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स। और ये होता है मोनोसाइट्स, ये भी फॉरेन पार्टिकल को खाने का काम करता है, फेगोसाइटिक एमीबॉइड सेल है, एमीबॉइड सेल मोनोसाइट्स। इसका जो न्यूक्लियस है वो होता है किडनी सेप, किडनी सेप का होता है, बीन सेप, किडनी सेप,
ये भी फेगोसाइटिस का काम करता है, ये आगे जाके बन जाता है मैक्रोफेज, बोलते मैक्रोफेज फेगोसाइटिक एक्टिविटी, मैक्रो मैक्रोफेजेस फेजेस खाने का काम करता है, बड़ा सा बॉडी साइज देख रहे हो कितना बड़ा है ना, अमीबॉइड सेल है, फॉरेन पार्टिकल को खा जाता है। तो ये न्यूट्रोफिल और ये मोनोसाइट फेगोसाइटिक का काम करता है। तो मेरा एक पॉइंट था कि न्यूक्लिएटेड होता है मगर अलग अलग टाइप्स का होता है, मतलब ये मल्टी लोब 3 4 5 लोब्ड का भी हो सकता है, 3 5 लोब्ड का भी हो सकता है, ये बाई लोब्ड का भी हो सकता है, ये ट्विस्टेड या एस शेप्ड का भी हो सकता है, ये लार्ज न्यूक्लियस एंड थिन रिम ऑफ साइटोप्लाज्म भी हो सकता है, या किडनी शेप्ड जो बीन शेप्ड बोलते हैं सब हो सकता है। तो मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस। ओके, तो हम लोग मेन फंक्शंस देखेंगे, इम्यून सिस्टम फॉरेन पार्टिकल के साथ को डील करना है, इसको न्यूट्रलाइज करना है, इसको किल करना है, ठीक है, डिफेंस। इसलिए हम लोग इम्यून सिस्टम रिलेटेड जब बात करते हैं तो WBC की बात करते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल न्यूट्रल डाई से स्टेन कर रहे हैं, हेट्रोफिल्स न्यूट्रल। देखो जब इओसिनोफिल बोल रहे हैं, इओसिनोफिल तो एसिडोफिल बोला गया, जब बेसोफिल बोला साइनोफिल, मतलब बेसिक बेसोफिल एसिडोफिल यह न्यूट्रल, न्यूट्रोफिल न्यूट्रल डाई से स्टेन करते हैं, इसको एसिडिक डाई से स्टेन करते हैं, इसको बेसिक डाई से स्टेन करते हैं, ओके, इसलिए एसिडोफिल्स। अब देखोगे तुमने जो तीन स्ट्रक्चर देखा है, न्यूट्रोफिल इओसिनो बेसोफिल, ये तीनों में देख रहे हैं ऐसे छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स स्ट्रक्चर दिख रहा है, छोटे छोटे दाने, ओके, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रेन्यूलोसाइट्स। ये छोटे छोटे जो दाने हैं इसको बोलते हैं ग्रेन्यूल्स। यही जब हम लोग स्टेन करते हैं, डाई से स्टेन करते हैं, ये कलर लेता है, कौन से स्टेन से होगा, कौन सा न्यूट्रल डाई से होगा, कौन सा बेसिक डाई से होगा, कौन सा एसिडिक, तो अलग अलग डाई से स्टेन करते हैं। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स है, यही स्टेन ले रहा है, यही प्रॉपर्टी है इसकी, इसमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स है, मगर इनमें यहाँ पर तो फिर भी दिखा दिया गया है, मगर एक्चुअली इन ये जो मोनोसाइट से लिम्फोसाइट में कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होता है। मान लेना तुम्हारा जो एनसीईआरटी में जो तस्वीर है वहाँ कोई ग्रेन्यूल्स नहीं है, ठीक है, ये दोनों हो गया अग्रेन्युलोसाइट्स। इसलिए तुम जब यहां देखोगे तो तुमको ग्रेनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल इओसिनोफिल बेसोफिल दिखेगा, मगर जैसे तुम अग्रेनुलोसाइट्स में जाओगे, मोनोसाइट्स लिम्फोसाइट्स अग्रेनुलोसाइट, कोई ग्रेन्यूल्स नहीं है। तो हमेशा याद रखना कि पहले के जो तीन है ये तुमको दिख रहे न्यूट्रोफिल इओसिनोफिल बेसोफिल ग्रेनुलोसाइट्स, और ये नीचे जो बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स है ये अग्रेनुलोसाइट्स। तो ये मेन डिवीजन तुमने पहले ये कर दिया, ग्रेनुलोसाइट्स एंड अग्रेनुलोसाइट्स, क्लियर है। अब न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा अगर मोस्ट अबंडेंट अगर बोलेंगे WBC तो तुम्हारा आंसर होगा 60 से 65%। अगर मोस्ट अबंडेंट सेल बोले ब्लड में तो RBC एरिथ्रोसाइट्स, और मोस्ट अबंडेंट WBC बोले तो न्यूट्रोफिल, ठीक है। इसको याद रखे, देखो यहाँ परसेंटेज में बहुत फर्क है ना, ज्यादा से कम। एक पॉइंट हम लोग को ट्रिक याद रखते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन 11th batch जो होते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं ना, तो हम लोग एक ट्रिक याद रखते हैं सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, तो लॉ हो गया लिम्फोसाइट लॉ ऑफ मोशन, तो मोशन में हम लोग चले गए मोनोसाइट, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हो गया। अब ये क्या 11th batch तुम्हारी जो बैच 11th batch है, तो अब 2 से 3 और ये हो गया 0.5%, क्योंकि ये परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन आता है, एकदम सीरियली तुमको अरेंज करना ही पड़ेगा, ओके। याद रखना सबसे पहले आपने न्यूटन न्यूट्रोफिल न्यूटन लॉ, फिर आप लिम्फोसाइट के पास जाओगे 20 से 25% न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, मोनोसाइट 6 to 8%, उसके बाद 11th हो गया 11th batch इओसिनोफिल 2 से 3%, और सबसे लीस्ट सबसे कम 0.5 से 1, होना भी चाहिए कम। अगर तुम WBC काउंट कर रहे हो और देख रहे हो कि बेसोफिल बहुत ज़्यादा हो गया है तो वो अच्छे साइन नहीं है, मतलब बाई चांस आप देखोगे तो बाई 0.5 बोला है या 1 बोला है, मतलब 100 काउंट करोगे तो तुमको शायद एक भी ना मिले, ऐसे हो सकता है ना कि एक मिल जाए, मगर तुम अगर 100 काउंट करते समय तुमको बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो ये अच्छे साइन नहीं है, या तो कुछ डिसऑर्डर हो रहा है, या तुम ये भी सोच सकते हैं कि एक्सट्रीम केस में, एक्सट्रीम केस बात कर रहा हूँ, कि ब्लड कैंसर तक हो सकता है,
ब्लड कैंसर भी अगर तुमको ज्यादा दिख रहा, काउंट कर रहे तुमको ज्यादा दिख रहा है, तो ये तो बहुत कम होना चाहिए ना। 100 में कहाँ आएगा, 100 में या तो एक आएगा या एक भी नहीं आएगा। तुम्हें ज्यादा दिख रहा है तो तुमको क्या लग, मतलब एक्सट्रीम केस की बात कर रहा हो, ठीक है, तुम्हें तो ब्लड कैंसर भी हो सकता है। हाँ कुछ डिसऑर्डर है, कुछ प्रॉब्लम है, या कोई डिफेंस में काम आ रहा है तो बढ़ सकता है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, बेसोफिल के बहुत सारे काम है, बॉडी के जरूरत के समय ऐसा हो सकता है, मगर हमेशा तो नहीं होगा ना ऐसा। वैसा बोल दिया था एक स्टूडेंट लेके आया, सर देखो तो मेरा डब्ल्यू बेसोफिल का काउंट ज़्यादा दिखा रहा है, क्या बोलूँगा मैं। वो तो एक्सट्रीम केस के बारे में बोला था ना, ऐसे जनरली कभी भी बढ़ जाएगा तो आप इससे थोड़ा बोलोगे कि मेरे को कैंसर हो गया साइन है। ऐसे बहुत चीज़ों से मैच करोगे तो मैच करने लगेगा, करता है ना, इतना एक्सट्रीम नहीं जाना है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले जो न्यूट्रोफिल के बारे में मैं बता रहा था, न्यूट्रोफिल जो होता है फेगोसाइटोसिस, इसका मतलब ये न्यूट्रोफिल फॉरेन पार्टिकल को खा जाएगा, एमीबोसाइट्स है, ओके। इसमें 3, 5, 7 लोब्ड हमको न्यूक्लियस दिखेगा, मल्टी लोब न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो हम लोग सोल्जर ऑफ द बॉडी बोल सकते हैं, क्योंकि ये डिफेंस में कोई भी जम्स आएगा उसको खाने का काम करता है। इओसिनोफिल 2 से 3%, तुमने देखा था ये जो बाइलोब दिख रहा था ना हेडफोन की तरह, ये इओसिनोफिल है। ये रेसिस्ट इन्फेक्शंस, ये इन्फेक्शंस को रोकता है, और एलर्जिक रिएक्शन के समय काम में आता है, एलर्जिक रिएक्शंस के समय, ठीक है। ये और ये दोनों उल्टा काम करते हैं, बेसोफिल और इओसिनोफिल थोड़ा सा उल्टा काम करते। तो ये इन्फेक्शन, अगर कोई इन्फेक्शंस लाना है तो वो काम करेगा बेसोफिल, समझ में आ रहा है। जैसे कभी चोट लग गया, कोई भी हो जाए, थोड़ा सा रेडनेस आ गया, थोड़ा सा स्वेलन हो गया, थोड़ा दर्द हो रहा है, होता है थोड़ा रेडनेस हो गया, स्वेल हो रहा है, दर्द हो रहा है, इचिंग हो रहा है, ये सब होता है ना, गर्म हो गया, ये सब करता है हिस्टामाइन, बेसोफिल रिलीज करता है हिस्टामाइन, ओके। हिस्टामाइन का काम है इन्फ्लामेशन लाना, इन्फ्लामेशन सुने ना, कभी चोट लग गया तो बोले इन्फ्लामेशन, कहीं पर अगर तुम देख रहे हो रेडनेस आ रहा है, स्वेलन आ रहा है, तो हिस्टामाइन क्या करता है, वेसो डायलेशन का काम करता है, ब्लड वेसल को डायलेट कर देता है, ठीक है। एलर्जिक रिएक्शंस में भी हम लोग बोल सकते हैं कभी हिस्टामाइन ये एलर्जी ला रहा है, इचिंग ला रहा है, बोलते हैं एंटी हिस्टामाइन, ऐसे कुछ एलर्जिक दवा जो होते हैं उसे एंटी हिस्टामाइन, एंटी एलर्जी कैसे बोलते हैं ना, एंटी हिस्टामाइन, तो हिस्टामाइन को रोकने का काम किया जाता है। ये करता है वेसो डायलेशन, अरे सेरोटोनिन करता है वेसो कंस्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करने का काम करता है। हिपेरिन, जैसे याद होगा थोड़े से पहले मैंने बोला था, जैसे थ्रोम्बिन या मैंने हिप, हम लोग ने बोल रहे थे फाइब्रिनोजेन, याद है फाइब्रिनोजेन बोला था, ब्लड क्लॉटिंग, वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ये ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। ये जो हिपेरिन है ना, ब्लड बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है ना, हिपेरिन, ये जो बेसोफिल है ये हिपेरिन रिलीज करता है, जिससे हमारा ब्लड अंदर क्लॉट ना करे। कौन रिलीज करेगा, ये बेसोफिल, ये हिपेरिन हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन रिलीज करता है। ये हिस्टामाइन वेसोडाइलेशन, रेडनेस, स्वेलन लाने का काम कर रहा है, इचिंग पेन, ये वेसो कंस्ट्रिक्शन का काम कर रहा है, ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर रहा है, ये ब्लड क्लॉटिंग को रोक रहा है। एंटी कोआगुलेंट, हमने फाइब्रिनोजेन को क्या बोला था, कोआगुलेशन, ब्लड कोआगुलेशन क्लॉटिंग में, तो ये हिपेरिन एंटी कोआगुलेशन, एंटी कोआगुलेंट ब्लड क्लॉटिंग को रोकने का काम करता है, ठीक है। इसका था इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में हम बोलेंगे बेसोफिल, मगर इओसिनोफिल वही बोलेंगे, इन्फेक्शन को रोकना का काम है, एलर्जिक रिएक्शंस के समय काम में आ रहा है, ठीक है, तो उल्टा काम है, ठीक है। तो आपने अभी देखा ये न्यूट्रोफिल, फिर आपने देखा इओसिनोफिल, उसके बाद आपने देखा बेसोफिल, तीनों क्या है, ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है, ये हो गया मल्टीलोब, ये हो गया बाइलोब, और ये हो गया ट्विस्टेड या एस शेप्ड, ट्विस्टेड या एस शेप्ड बोल सकते हो। फेगोसाइटोसिस, ये एलर्जिक रिएक्शन के समय रेसिस्ट इन्फेक्शन, और ये वेसोडाइलेशन, वेसो कंस्ट्रिक्शन, फिर एंटी क्लॉटिंग, है ना, बॉडी के अंदर ब्लड को क्लॉट करने नहीं देगा,
अब आते हैं हम लोग मोनोसाइट, सबसे लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी बोला गया है लार्जेस्ट, ओके करीबन 6 से 8% आपको देखने को मिलेगा, और ये होता है फेगोसाइटोसिस। इसका मतलब न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट दोनों का काम है फेगोसाइटोसिस, एमीबॉइड सेल है। जब भी दो नाम बोला जाएगा तो आप न्यूट्रोफिल मोनोसाइट बोलिए, मोनोसाइट को मैक्रोफेज भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है, मैक्रोफेज, डेंड्राइटिक सेल, कूपर सेल, हिस्टोसाइट, बहुत सारे डेंड्राइटिक सेल, बहुत सारे नाम है, लीवर में इसका नाम है कूपर सेल, बहुत सारे नाम है, मतलब मोनोसाइट्स या मैक्रोफेज के नाम से यहाँ याद करेंगे, ठीक है। मैक्रोफेज, मोनोसाइट, एमीबॉइड सेल है, फॉरेन पार्टिकल को खाता है, फेगोसाइटोसिस। और ऑर्गेनोसाइट्स में तुम्हें और एक मिल जाएगा, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स करीबन 20 से 25% है इम्यून रिस्पॉन्स। याद होगा आज हमने बी लिम्फोसाइट्स के बारे में ये बोला था कि बोन मोरे में ओरिजिन एंड डेवलपमेंट हो रहा है, ये दो तरह का सेल बनाता है, एक प्लाज्मा सेल और एक मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल तुरंत एंटीबॉडी बनाएगा, मेमोरी सेल उसी जम्स को याद करके रखेगा, फ्यूचर में अगर दोबारा वो जम्स आता है तो तुरंत एंटीबॉडी बना के न्यूट्रलाइज करेगा। इसलिए जानबूझ कर हम क्या करते हैं, बचपन में वैक्सीन दे देते हैं ताकि बी लिम्फोसाइट्स प्लाज्मा मेमोरी सेल बना ले और मेमोरी सेल उस बचपन में याद करके रखे उस जम्स को, ठीक है। ये काम है बी लिम्फोसाइट्स का। टी लिम्फोसाइट्स, आज मैं थाइमस का थाइमस दिखा रहा था आपको, तो ओरिजिन अगर मैं बोलूँ टी लिम्फोसाइट्स का तो ओरिजिन होगा बोन मेरो में, बनेगा जितने भी आप बोल रहे हो डब्ल्यूबीसी या लिम्फोसाइट ल्यूकोसाइट जितने भी है आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेट सब बनते बोन मेरो में। ये टी लिम्फोसाइट्स भी ओरिजिन होगा बोन मेरो में, मगर आगे का जो डेवलपमेंट और मैच्यूरेशन होता है वो होता है थाइमस में। थाइमस में, थाइमस में क्या होता है, एक हॉर्मोन्स होता है थाइमोसिन, वो टी सेल्स का मैच्यूरेशन या डिफरेंशिएशन लाता है। टी सेल भी बहुत तरह का होता है, हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल या किलर टी सेल बोलते हैं, सप्रेसर टी सेल, मेमोरी सेल, टी सेल बहुत सारे हैं। आगे जाके हम पढ़ेंगे डिफेंस में क्या क्या किसका काम है, ओके। मगर ये जो होता है ये थाइमस में ही इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, सिर्फ ओरिजिन हुआ बोन मेरो में, थाइमस में से मैच्योरेशन समझ में आ रहा है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हुई कि ये जो लिम्फोसाइट्स है 20 से 25% है, इम्यून रिस्पॉन्स, सिक्रेट एंटीबॉडी, डिफेंस, ओके। और इसमें आप देखोगे लार्ज न्यूक्लियस एंड थीन रिम ऑफ साइटोप्लाज्म। अगर मोनोसाइट्स बोले तो लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स, और उसमें जो न्यूक्लियस है वो क्या है, ग्रीन सेप, किडनी सेप, ठीक है, ग्रीन सेप एंड किडनी सेप। अब तीसरा जो है प्लेटलेट्स, ठीक है, तीसरा जो है प्लेटलेट्स। पहले हमने आरबीसी बोला, WBC बोला, ल्यूकोसाइट्स, अब है थ्रोम्बोसाइट्स, कलरलेस। लाइफ स्पेन हम देख चुके हैं, RBC का 120 डेज, इसका WBC का 1 से 15 डेज, ये 7 डेज तक। काउंट अगर देखोगे 1.5 लाख से 3.5 लाख आप देखने वाले हो, 1.5 से 3.5 लाख पर MMQ, सब पर MMQ, एक था 50 से 55 लाख, 5 से 5.5 मिलियन पर MMQ, उसके बाद WBC था 6,000 to 8,000, ये हो गया 1.5 से 3.5 लाख पर एमएम, ठीक है, कंपेयर कर सकते हैं MCQ। एक्चुअली ये एक सेल है जिसका नाम है मेगाकैरियोसाइट्स। ये जो आप WBC बोलते हैं ये ट्रू सेल नहीं है, ये इस सेल का फ्रेगमेंट है, प्लेटलेट्स एक ट्रू सेल नहीं है। ये जो मेगाकैरियोसाइट्स है इसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स है थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स, इसलिए थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स को हम लोग ट्रू सेल नहीं मानते हैं, हम ट्रू सेल नहीं मानते हैं, क्योंकि ये क्या है, इस सेल का मेगाकैरियोसाइट्स का फ्रेगमेंट्स, ठीक है। तो मेगाकैरियोसाइट्स इन बोन मेरो, ये एक्चुअली सेल है जो बोन मेरो में बनेगा, उसके फ्रेगमेंट्स मिलेगा आपको प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। नॉन न्यूक्लिएटेड सेल फ्रेगमेंट, सेल फ्रेगमेंट है, इसका मतलब जो सेल था उसका तो टुकड़े हो गए। मुझे क्या मतलब है, सिर्फ फैक्टर से मतलब है, ये जो हम देख रहे हैं ना ये सब फैक्टर्स
उससे मतलब है? ओके हमें न्यूक्लियस या बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है, 7 डेज तक सर्वाइव करेगा, इतना लाख मौजूद है, हमेशा बनते रहना चाहिए, है ना। तो नॉन न्यूक्लिएटेड फ्रेगमेंट्स होगा, इसका मेन मकसद है ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग। ओके तो ब्लड कोआगुलेशन जब भी कहीं कटता है तो ब्लड कोआगुलेशन का एक मैकेनिज्म होता है, ये तुमको बाहर भी दिख सकता है, यही मैकेनिज्म बॉडी के अंदर भी दिख सकता है। होता है ना कभी कभी सुनते हो ना, इंजरी हुआ बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट कर गया, ब्रेन में ब्लड क्लॉट करके, सुनते हो ना ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये सब ये अंदर भी होता है, ब्लड क्लॉट करता है अंदर, सेम मैकेनिज्म। तो कहता है कि एक मैकेनिज्म है ब्लड क्लॉटिंग का जिसको बोलते हैं हेमोस्टेसिस, हेमोस्टेसिस प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस थ्रू इंजरीज, ताकि आपकी इंजरी में ब्लड लॉस ना हो जाए, कहीं चोट लगा तो लगातार इंजरी हो सकता है ना, तो ब्लड क्लॉट कर जाएगा तो इंजरी बंद हो जाएगी, वो जो जहाँ से ब्लड लीक हो रहा है तो बंद हो जाएगा। तो प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस, इंजरी के समय ब्लड का लॉस ना हो, इसलिए हम इसको बोलते हैं हेमोस्टेसिस। इस प्रोसेस को बोलते हैं, ये जो मैकेनिज्म है प्रोसेस का, इसको हम लोग बोलते हैं हेमोस्टेसिस, मतलब प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस थ्रू इंजरीज। ठीक है, तब क्या होगा? देखो कहीं भी चोट लगे, साइट ऑफ इंजरी जो भी है, ओके, वहां पर जब भी इंजर्ड होगा प्लेटलेट टूटते हैं, या तो टिश्यू इंजर्ड हुआ, इंजर्ड हो गया, या प्लेटलेट टूट गए। अगर कोई पिन अंदर चला गया तब भी क्या होगा, प्लेटलेट टूटेंगे ना, टिश्यू इंजर्ड हुआ ना, या कोई ट्रॉमा हुआ, अचानक सदमा, जैसे वो मूवी देखे थे ना चेन्नई एक्सप्रेस, के दादाजी जो थे क्रिकेट मैच देख रहे थे, सचिन तेंदुलकर 99 पे आउट हो गया, है ना, उनको सदमा लगा, वहीं मर गए ना, उसी के ऊपर मूवी ना लेके जा रहा है, कलश लेके जा रहा है, इसे कुछ था ना, था ये वो, उसी को लेके था ना कुछ। तो कहने का मतलब है कि ट्रॉमा से भी ये हो सकता है, अचानक सदमा लगा तब भी ब्लड क्लॉट कर सकते हैं, वो साइट ऑफ इंजरी वही सेम मैकेनिज्म हो सकता है। तो साइट ऑफ इंजरी क्लम्प प्लेटलेट्स एंड टिश्यू जहां भी होगा वो एक फैक्टर रिलीज करेगा जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। कभी भी टिश्यू इंजर्ड हुआ या प्लेटलेट टूटा, टूटना मतलब या इंजर्ड होना मतलब ये फैक्टर रिलीज होगा ही, जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसका नाम क्या है? थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये फैक्टर रिलीज होगा। अभी थ्रोम्बोप्लास्टिन का काम है एक एंजाइम बनाना जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बिनेज। ये पहले नहीं, जब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बनता है ना तो ये फॉर्म करता है थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम्स को बनाता है। जब टिश्यू इंजर्ड होगा प्लेटलेट तो रिलीज होगा थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये एंजाइम बनाएगा, एक ही नाम बोलोगे थ्रोम्बोकाइनेज या उसका दूसरा नाम है प्रोथ्रोम्बिनेज, एक ही चीज है, ठीक है, ये बनता है। और ये कैल्शियम के हेल्प से इस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। इसका मतलब प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा हुआ था मगर ब्लड क्लॉट नहीं कर सकता, प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा हुआ था मगर ब्लड क्लॉट नहीं कर सकता है, जब तक ये इंजाइम नहीं बनेगा, जब तक थ्रोम्बोप्लास्टिन इस इंजाइम को नहीं बनाएगा। कैल्शियम मौजूद है ब्लड में, कैल्शियम मौजूद है मगर वो डायरेक्टली ब्लड को क्लॉट नहीं कर सकता। जब ये प्लेट थ्रोम्बोप्लास्टिन आएगा वो थ्रोम्बोकाइनेज को बनाएगा तो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब एक्टिव फॉर्म आ चुका है थ्रोम्बिन, ये इनएक्टिव था, ये एक्टिव था, अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, इस फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। ये इनएक्टिव फॉर्म में थे, ये इनएक्टिव फॉर्म में थे फाइब्रिनोजेन सोलुबल, तो ये इनसोलुबल फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा, इनसोलुबल फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सोलुबल है, ये इनसोलुबल है, ये अभी इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा हुआ था, अब ये ब्लड क्लॉटिंग का काम करेगा। इसका मतलब जो भी डेड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट थे वहां पर, इंजर्ड है ना, जितने भी हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट बोल रहे हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट सब क्या है, डेड है, डैमेज है, ये सारे इस फाइब्रिनोजेन के हेल्प से क्लॉट कर देगा कोआगुलम। ठीक है, तो अल्टीमेटली ब्लड क्लॉट कर गया मगर जब तक टिश्यू इंजर्ड नहीं होगा, प्लेटलेट डिसइंटीग्रेट नहीं होगा, तब तक ये फैक्टर रिलीज नहीं हो सकता, वो इस एंजाइम को नहीं बना सकता। फिर ये तो पड़ा हुआ हमारे ब्लड में मगर ये
ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता, कैल्शियम की हेल्प से ये इसको ट्रांसफॉर्म करेगा, फिर थ्रोम्बिन फाइब्रिन जोइन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा, तब जाके फाइब्रिन ट्रैप करेगा, ऐसे क्लॉट बनाएगा। समझ में आया? आगे और पढ़ना है, अगले दिन पढ़ेंगे ब्लड कोआगुलेशन जो हम लोग ने आज डिस्कस किया। ओके, हम लोग और ब्लड से रिलेटेड बहुत सारे डिस्कस करने वाले हैं, और आज का क्लास यहीं खत्म करना पड़ेगा। अभी ब्लड रिलेटेड और भी बहुत चीज़ें हैं तो अगले दिन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो बाय बाय एवरीवन, आज यहीं क्लास खत्म करते हैं। अरुण नमस्ते।